डैंड्रफ होना, ये पता है सबसे बड़ा कर्स है, सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है आपके बालों के लिए। कैसे भाई? देखो, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, और मेरा ये मानना है कि आपके बाल छोटे हैं या लंबे हैं, फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल ना बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, डैंड्रफ अपने बालों में आने मत देना। जिस दिन आपके बालों में डैंड्रफ आ गया, तीन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहले आपको अपने स्कैल्प के जितने भी रूट्स हैं, जितना भी लेंथ है, आप ये सोच लीजिए उस दिन से वो सारी चीजें बंद। आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं होगा, आपका स्कैल्प नरिश नहीं होगा, आपके रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपके डैंड्रफ है, आप कहीं भी बिना झिझके नहीं जा पाएंगे। हमेशा या तो वो आपके स्कैल्प पे रहेगा, आपको इचिंग करता रहेगा, या फिर आपके जो फ्लेक्स हैं ऊपर आपके आउटर स्कैल्प पे आ जाएगा, जो आपके लेंथ तक जा सकता है, जो बहुत ही वियर्ड लगता है देखने में। और किसी को भी बात करने में भी, क्या आपसे मिलने में भी वो दिलचस्पी नहीं होगी अगर वो देखेगा आपकी हेयर की कंडीशन। और तीसरी बात है कि ये होता कैसे है, पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि डैंड्रफ जेनेटिक होता है? बिल्कुल नहीं होता। पॉल्यूशन से होता है? बिल्कुल नहीं होता। डैंड्रफ होता है जो हम क्लींजिंग के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो हमारा शैम्पू है, वो हमारा कंडीशनर है, या जो भी कुछ हम अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, जब हम उसको ढंग से राइंस ऑफ नहीं करते और कम पानी हम यूज करते हैं, तब ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। डैंड्रफ जब भी होगा, वो आपके जो स्कैल्प पे इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, उसकी वजह से होता है। होता क्या है, अधिकतर हम ये कहते हैं हमने बहुत सारे ऑयल यूज करे हैं, हमने बहुत सारे शैम्पू यूज करे हैं, लेकिन हमारा डैंड्रफ नहीं जा रहा। जाएगा कैसे? डैंड्रफ होता है, आपने ऑयल अप्लाई कर लिया, आपने सोचा कि एक बार में फोम बन गया और मेरा स्कैल्प साफ हो गया। ऐसा नहीं है। बालों को हमेशा दो बार वॉश करना चाहिए। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके बाल छोटे हैं या लंबे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसके पीछे की एक साइंस बताती हूँ। अगर जैसे मैंने देखा है कि अब तो आजकल वॉशिंग मशीन से और टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, और हम में से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शायद कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, राइट? लेकिन हमने देखा है अपनी माओ को, अपनी दादियों को, जब वो कपड़े धोती थी तो वो एक पानी में कपड़े नहीं निकालती थी, वो दो तीन पानी में कपड़े निकालने के बाद उसको सुखाती थी, ड्राई करती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सारा साबुन निकल जाए। इसी तरह से अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन अपने हेयर में करा है, आपने ऑयल लगाया है, आपने मास्क लगाया है, आपने कुछ भी लगाया है, हेयर स्प्रे करा है, तो आप उसको ढंग से साफ करेंगे, दो बार साफ करेंगे। पहली बार तो आपकी जितनी भी गंदगी है वो निकलेगी, दूसरी बार आपके स्कैल्प की क्लींजिंग होगी, ठीक है? इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि जब शैम्पू यूज करेंगे तो उसके बाद जो पानी होगा वो बहुत अच्छे से निकाला जाएगा, राइंस ऑफ बहुत अच्छे से होगा, और जब कंडीशनर लगाएंगे उसके बाद भी। कंडीशनर को कभी भी बालों की रूट में टच नहीं करना। जो लोग अपने बालों की रूट में कंडीशनर को टच करते हैं, उन पे 99.9% केसेस में डैंड्रफ होना ही होना है, क्योंकि कंडीशनर, मैंने पहले ही बताया है, इतने स्टिक के फॉर्म में होता है कि आपके बालों में से आप बहुत अच्छे से भी धोएंगे ना तो नहीं जा पाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इसका क्योर क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं कहूँ कि आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, आप कहीं भी चले जाइए, सबसे पहले डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, आप एक तो सिंगल एप्लीकेशन के साथ नहीं जा सकते। आप सोचें मैं अनियन लगा लूंगी, नहीं होगा। सोचें अलसी लगा लूंगी, नहीं होगा। ये तब होगा जब कोई ऐसा फॉर्मुलेशन आपको मिलेगा जो आपके बालों से डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर दे। रोकना नहीं है, खत्म करना है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं हम डैंड्रफ को 90% खत्म करते हैं। यार, डैंड्रफ खत्म करने की चीज नहीं है, डैंड्रफ को जड़ से हटाना है। खत्म कर देंगे फिर आ जाएगा, जड़ से उसको भाग निकालना है, जड़ से उसको भगाना है। कैसे होगा? बहुत ही ऑथेंटिक ऑयल यूज करिए, जो बहुत सारे हर्ब्स, शर्ब्स, बहुत सारे कहते हैं ना कि आपके एसेंशियल ऑयल्स, आपके करियर ऑयल्स, उनसे मिलके बना है। अब आप पूछेंगे मेरे से कि ऐसा ऑयल हमें कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा। जब आप ढूंढेंगे तो आपको सब मिलेगा। जब आप ऑयल यूज करेंगे, उसके बाद जब स्कैल्प को आप क्लीन करेंगे, बहुत साफ तरह से करना है, लाइंस ऑफ करना है, जब तक आपके सिर में से शैम्पू के जो झाग है निकलने बंद ना हो जाए। छोटी सी रेमेडीज हैं, सिंगल रेमेडी डैंड्रफ के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। डैंड्रफ आपका कुछ दिनों के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर से पॉपअप हो जाएगा। इसलिए जाइए ऑथेंटिक ऑयल के साथ, जिसका फॉर्मुलेशन बहुत ही सहजता और सुंदरता के साथ बनाया गया हो, और बने रहिए मेरे साथ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए और पहचानने के लिए हेयर ऑन टॉक यूट्यूब सब्सक्राइब विद एट द बेल आइकन।